Hi everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel Tata Steel Vocational Training. आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI. चाहे वो टाटा स्टील हो या फिर कोई और भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम, प्राइवेट एग्जाम, काफ़ी क्वेश्चन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछे जाते हैं. तो इसलिए मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, बिकॉज टाटा स्टील CSIT का बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया हो, आई होप तो उनका प्रिपरेशन भी चल रहा है. तो मुझे लगा कि ये बेहतर होगा उनके लिए अपलोड करना, ये वीडियो उनके लिए बहुत एडवांटेज साबित हो सकती है. 4 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, बिकॉज उसका रीज़न ये था कि मेरा फीवर था तो मैं उतना कंडीशन नहीं था डालने के लिए. बट आज से मैं सही हूँ, तो फिर आज से या फिर कल से एकदम लगातार वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा. तो जो भी लोग नए हैं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगी चैनल से. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फर्स्ट क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AI? काफ़ी इजी सवाल है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पड़ जाती है. बट जब वो देखते हैं बहुत सारे ऑप्शन, राइट, जब आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो आई होप आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि इसको चूज करूँ. सेम वैसे ही एग्जाम में होता है फ्रेंड्स, जब आपको उस चीज़ के बारे में काफ़ी कम नॉलेज होती है तो आप डिस्टर्बेंस हो जाते हो किस ऑप्शन राइट होती है, राइट. तो बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता होगा कि यार इसका आंसर क्या होगा, ठीक है. AI का मतलब बहुत सारे लिख देते हैं कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट, कोई इंटेलिजेंस, तो दोनों का बीच का डिफरेंस भी नहीं पता होता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है क्या, इंटेलिजेंट होता है, राइट, या एडवांस इंटेलिजेंस होता है. काफ़ी ऑप्शन है, आप भी देख सकते हो. तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट का, वो ऑप्शन नंबर बी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है. आप उसका मतलब जब हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप प्लीज़ उसका स्पेलिंग भी देख लिया करो, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि आर्टिफिशियल, ठीक है, जहाँ पर CIAL है वहाँ पर SIAL भी लगा देते हैं. अभी मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट हाँ आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप स्पेलिंग भी चेक कर लेना, ठीक है. कुछ एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए. जैसे कि इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है कि AI मतलब AI को ही एब्रिविएट करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ठीक है. इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए सिस्टम एंड बिल्ड मशीन टू थिंक एंड वर्क लाइक ह्यूमन. मतलब आपको यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ कि AI का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है और वो किस के लिए काम होता है, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आते हैं, सही, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो हमको तो पता चल गया कि फुल फॉर्म क्या होता है, अब आपको पता करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है क्या, राइट. तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखते होंगे, मैं ऑप्शन नहीं रीड करूंगा बिकॉज टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा आपका, तो आई डोंट वांट वेस्ट योर टाइम. आप प्लीज़ रीड कर लेना फटाफट फटाफट ABCD और झट से इसका ऑप्शन आप बता दो. तो सेकेंड का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, मैं आपको दिखाई देता हूँ आंसर इसका क्या है. तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर. अब मैं C पढ़ लेता हूँ कि क्या है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फील्ड है जिसका क्या मकसद होता है, डेवलप करने का, पैदा करने का इंटेलिजेंट मशीन, एक मशीन को पैदा करने में हेल्प करता है, ठीक है. अब कुछ एक्सप्लेनेशन में दिया हूँ यहाँ पर ही, बहुत बड़ा है एक्सप्लेनेशन बट आई होप आपके लिए बेहतर होगा, पढ़ लीजिए आप. देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम दैट वर्क एंड रिएक्ट इन द सेम वे दैट ह्यूमंस डू. जैसे कि हम लोग, जैसे कि ह्यूमन काम करता है वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उस तरीके से ही हम लोग मशीन बनाते हैं ताकि वो ह्यूमन से, मतलब हम लोगों से भी बेहतर काम कर सके, ठीक है. तो ये मकसद होता है. इंटेलिजेंस एक प्रोसेस होता है कंपोनेंट का ऑफ एबिलिटी टू अचीव गोल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है. अब पीपल, एनिमल्स एंड फ्यू मशीन ऑल हैव डिफरेंट टाइप्स एंड डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस. ये तो पता ही है कि इंसानों का, जानवर का और कुछ ऐसे मशीन है, सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है, ठीक है. डिफरेंट डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस होता है. जैसे कि बोला जाता है ना, जानवर का मतलब आप देखे होंगे, कुत्ता, डॉग जो होता है वो भूकंप मतलब अर्थ को कहने से पहले उस चीज़ को सिग्नल समझ जाता है कि आने वाला, बिकॉज उसका फ्रिक्वेंसी को वो मतलब सुन लेता है, राइट. तो वो चीज़ क्या है, इंटेलिजेंस सिस्टम है. तो आप यहाँ से बता सकते हो, तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन से बेहतर काम कर सके, हम लोगों से बेहतर काम कर सके, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन हम आते हैं, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता होगा तो डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में आपको जाहिर से मतलब पता ही होना चाहिए कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंटर कौन है, कौन आखिर ये मतलब इन्वेंट किया. तो ऑप्शन आपको डिफरेंट मीन्स साइंटिस्ट के नाम दिखते होंगे, राइट. तो ऑप्शन नंबर ABCD आप देख ले. और थर्ड का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C है इज़ द राइट आंसर, John MC Cartley, ठीक है. John MC Cartley इज़ द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. परफेक्ट, इसको याद कर लेना क्योंकि काफ़ी मीन्स पूछे गए हैं.
और बहुत इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंटर कौन है, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जॉन एमसी मार्टी क्या है। तो वॉज अ प्योनियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च करते थे उनके एंड हेल्पिंग टू नेम द फील्ड एंड स्पेंडिंग डिकेड्स टीचिंग कंप्यूटर टू ग्रैप कॉन्सेप्ट दैट आर इंस्टीट्यूटेड टू ह्यूमंस। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बताना है इनमें से जो ऑप्शन में दिया हूँ कौन सा ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके डिफरेंट ब्रांच होते हैं ना फ्रेंड, जैसे कि साइंस का अलग अलग डिफरेंट ब्रांच होते हैं। ठीक है, अगर हम साइंस का देखें तो साइंस में बायोलॉजी भी आ जाएंगे, नेचुरल साइंस भी आ जाएंगे, तो वो डिफरेंट ब्रांच होते हैं साइंस के। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच कौन सा है, क्या चीज़ पढ़ने से हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा समझ आएगा। तो डिफरेंट ऑप्शन है आपको, ऑप्शन ए मशीन लर्निंग, बी साइबर, और सी में फुल स्टैक, डी में नेटवर्क डिजाइन। तो ऑप्शन नंबर ए है इज द करेक्ट आंसर, मशीन लर्निंग। तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ने के लिए मीन जो ब्रांच है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन है, मशीन लर्निंग। ठीक है, आपको मशीन लर्निंग मीन्स मशीन के लैंग्वेज में आपको माहिर होना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ कि मशीन लर्निंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइकवाइज न्यूरल नेटवर्क्स, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, NLP आर ऑल्सो द सब एरियाज इन मशीन लर्निंग। वी बिल्ट ए ट्रेन ML, ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल्स टू डू सर्टेन टास्क। हम लोग मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, टास्क देते हैं ताकि वो मशीन कर सके। जैसे कि अभी आप देखते होंगे जैसे बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बताऊं, जैसे कि हम लोग कार बनाते हैं, पेंट करते हैं, वेल्ड करते हैं, ठीक है, तो वेल्डिंग जब करते हैं तो हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतना बड़े कंपोनेंट्स को वेल्ड करना, करने का तो कर लेंगे, अभी भी बहुत सारे इंसान करते हैं वेल्डिंग, राइट, बड़े बड़े मशीन में जहाँ पर ही एक मैन यूज़ है। बट अभी क्या है, रोबोटिक का सिस्टम आ गया, तो उससे क्या होगा कि ह्यूमन एफर्ट्स भी जाने लग रहा है और एक्यूरेट भी हो रहा है वेल्डिंग। ठीक है, रोबोटिक्स का काम हो रहा है, तो वो भी क्या है, मशीन लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरह है। बहुत सारे रोबोटिक भी अभी लाइफ में है, तो रोबोटिक छोटे छोटे काम अभी कर ले, बहुत सारे रेस्टोरेंट में या फिर आप होटल में देख लो, या फिर रिसेप्शन में भी रोबोट का यूज़ कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो काफ़ी एडवांस जा रही है हमारी इंडिया, सैल्यूट टू इंडिया, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रही है। तो आई होप आपको ये समझ आता हो आर्टिफिशियल लर्निंग का इंपॉर्टेंस। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, की गोल क्या है, आखिर ये पढ़ाई करने के बाद क्या गोल, क्या अचीवमेंट हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन आपको दिखते होंगे डिफरेंट टू सॉल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, बी में आपको दिखते होंगे, सी डी, आप पढ़ लीजिए। फाइव का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन करने के लिए जो भी सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो गोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये है। तो एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोल इज टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, सेम वही आपको बताया है। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बताना है यहाँ पर कि एप्लीकेशन क्या क्या होगा भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ हम लोग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, राइट। तो ऑप्शन में आपको देखते होंगे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या है बी में, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्स्ट एनालिसिस एंड NLP। तो ये क्या है, ये इसका एप्लीकेशन है, मीन्स कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, लैंग्वेज को समझने के लिए। ठीक है, लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं, वो चीज़ तो रहे गई, बट बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेज होते हैं, C++, जावा, ये सब, वो सबको समझने के लिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी आपके प्रॉब्लम है उस चीज़ को सॉल्व करने का ही नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी में हम लोग वर्क करते हैं, एप्लीकेशन है। तो कुछ एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख लो, पढ़ लो क्या है एक्सप्लेनेशन में, पॉज करके वीडियो में। सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि इन हाउ मेनी कैटेगरीज प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज, कितने कैटेगरी में इसको प्रोसेस किया गया है AI को। तो ऑप्शन आपको दिखते होंगे कि 5 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, इसका जो ऑप्शन है वो सी, कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। तो आपको ना 3 कैटेगरी के बारे में भी पता होना चाहिए अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी और लेना चाहते हो। तो देखिए कि ये कैटेगराइज है 3 स्टेप में, ठीक है, 3 स्टेप, सेंसिंग, रीजनिंग एंड एक्टिंग। ठीक है, 3 कैटेगरी यही है, सेंस करना क्या कर रहा है, रीजनिंग, ठीक है, और फिर एक्ट करना। सेंसिंग का मतलब क्या होता है कि थ्रू द सेंसर टेकिंग इन द डेटा अबाउट द वर्ल्ड, मतलब कुछ सेंसर का यूज़ करके, सेंसर का यूज़ करके वो सेंस करेगा कि क्या हो रहा है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके बताता हूँ कि अभी आप देखो कि लाइट, जैसे कि अभी आता है ना कि घर में
लाइट अपने आप जल जाता है, तो वो क्या होता है, सेंसर होता है, राइट। जब भी आप वहाँ से क्रॉस करोगे तो ह्यूमन इफेक्ट वहाँ पर ही उसको सेंस करेगा, वो लाइट ऑन कर देगा। बहुत सारे घरों में आप इंडस्ट्री में होटल में देखे होंगे, ठीक है, वॉशरूम वगैरह में भी आप देखते होंगे, राइट। तो सेंसर वाला लाइट अभी आ चुका है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आप वो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ठीक है। सेंसिंग, सेंसिंग का मतलब उसमें सेंसर होता है, तो वो सेंस करेगा कि क्या डिटेक्ट हो रहा है, फिर रीजनिंग करेगा, मीन्स रीजनिंग इज थिंकिंग और प्रोसेसिंग द डेटा सेंस बाय द सेंसर। पहले से सेंस करेगा, फिर वो ये सोचेगा कि भाई वो ह्यूमन इफेक्ट है या फिर कुछ और जा रहा है, राइट। तो वो चीज़ इफेक्ट करेगा, सेंस सोचेगा, फिर वो क्या होगा, सोच लेगा, सोचने के बाद एक्शन। अब उसका बारी है लाइट जलने का, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड रीजनिंग एक्टिंग इज जनरेटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्शन इन द एनवायरमेंट, फिर वो लाइट ऑन होगा, ठीक है। जैसे आप आ रहे हो तो वो क्या होगा, सेंस करेगा कि कौन आ रहा है। जब आप उसे क्रॉस करोगे तो वो थिंक करेगा कि इंसान है कि कौन है, राइट। तो फिर वो लाइट ऑन होगा, वो होगा एक्शन, ठीक है। तो यही काम होता है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैं आपको बहुत आराम से समझाया हूँ, आई होप आपको समझ आया हो। 8 क्वेश्चन, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज। कौन से पैरामीटर में, मीन्स किस पैरामीटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो ऑप्शन आपको दिखते होंगे यहाँ पर ए बी सी डी में, आप रीड कर लेना। 8 का जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनली। मतलब कितना है उसका कैपेबिलिटी और क्या क्या फंक्शन करता है, उसके बेस में ही हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख लो, 2 मेन कैटेगरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी। बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी इज डिवाइडेड इंटू आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि AI का फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग बताया ना कि वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने बता दिया, राइट। तो काफ़ी क्वेश्चन में ये भी आ सकते हैं कि भाई AI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको जो भी AI है या AGI है या ASI है, यहाँ पे जो लिखा है, प्लीज़ इसको याद कर लेना आप। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ठीक है। AGI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एंड ASI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को याद कर लेना, क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन में दिया हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि हाँ ये आ भी सकता है, राइट, ये आ सकता है क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको याद कर लेना। तो बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी इट इज़ डिवाइडेड इनटू रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अब मैं आपको बता चुका हूँ, प्लीज़ इसको याद कर लेना, क्योंकि होप फुल्ली कि ये क्वेश्चन आ सके, ठीक है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको यहाँ बताना है कि कंपोनेंट क्या है, इनमें से क्या कंपोनेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग, ठीक है। लर्निंग एक कंपोनेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो याद ही करना, ठीक है। तो इंटेलिजेंस आप यहाँ पे पढ़ देना, लर्निंग एक प्रोसेस होता है गेनिंग नॉलेज बाय अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिसिंग बींग टाउट और एक्सपीरियंसिंग वन थिंग। लर्निंग एनहेंस करता है अवेयरनेस ऑफ एनी टॉपिक, हेंस लर्निंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप देखो ऐसे घर में बैठे रहोगे और बिना याद किए आप एग्जाम देने जाओगे, डेफिनेटली काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ एग्जाम निकालेंगे, बट ऐसा हर टाइम नहीं होता है। तो आप हर दिन क्या करो, याद करने की कोशिश करो, राइट। नए नए टॉपिक्स लो, नए नए बुक्स लो, उनको अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है तो बुक्स रीड करा करो, कुछ नया चीज़ सीखा करो, लेकिन हर दिन आप नॉलेज गेन करो, राइट। जब आपका नॉलेज हर दिन गेन होता रहेगा ना, तो आप अपने आप में एक फील करोगे कि बहुत अच्छा, कि हाँ आपके पास सारे नॉलेज है, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ के बारे में को पता नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। एज अ ह्यूमन बींग आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, राइट। 10th क्वेश्चन, देखो मैं बताते बताते यहाँ पर मोटिवेशन भी वीडियो बना डाला हूँ, ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। फंक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट में क्या फंक्शन है, तो ऑप्शन आपको देख लेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है फ्रेंड्स, मैपिंग ऑफ प्रीसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन। ओके, मैपिंग ऑफ प्रीसेप्ट सीक्वेंस ऑफ टू एन एक्शन। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ए मैथ फंक्शन दैट कन्वर्ट्स ए कलेक्शन ऑफ परसेप्शन इनटू कलेक्शन इनटू एक्शन इज नोन एज द एजेंट फंक्शन। और भी देख लो, द फंक्शन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एजेंट सॉफ्टवेयर, एन एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन परफॉर्म बाई द मशीन वंस इट सेंसेज द एनवायरमेंट। जैसे वो कोई भी पार्ट सेंस करते हैं ना हम लोग इन्वायरमेंट में, तो जैसे वो याद करता है सेंसर, तो वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। फिर डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा,
ये सोचेगा कि क्या डिटेक्ट किया, फिर इसको एक्शन क्रिएट करेगा। तो ये काम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। चाहे आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो या ना करो, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी भाई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, क्या बेनिफिट है इसका। अगर आप चाह रहे हो कि और अपना नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए या फिर आने वाले जो एग्ज़ाम है उनका प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं अपने अपने चैनल में हर दिन नए नए वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। आइदर वो टाटा स्टील के रिगार्डिंग हो, एग्ज़ाम का रिलेटेड हो, अगर आप कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो उसके रिलेटेड हो, तो आपको क्या हेल्पफुल मैं कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप नए नए वीडियोस इसके चैनल में माय चैनल से आप प्रोवाइड करना चाहते हो, एंड प्रेस द बेल आइकन, आने वाला नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियोस, लाइक करके जाना फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं कल एक नए वीडियोस के लिए। थैंक यू टू ऑल।